गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास फिफ्थ में आपका रिवीजन टेस्ट ले रही हूँ जो कि चैप्टर फोर से है। तो चैप्टर फोर में सबसे पहले मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर वन, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। देखिए दो क्रमाक्षर हैं आ और बा, तो जो राइट है वो केवल आ या बा यही यहाँ पर लिखना है कोष्टक में, ठीक है ना। जैसे 15 अगस्त है तो आ वाला राइट लगता है तो आ लिख दीजिए, यहाँ पर बा वाला राइट लगता है तो बा लिख दीजिए। केयरफुली पढ़िए उसको, उसके बाद यहाँ लिखना है आपको। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, तो जो राइट है उसका क्रमाक्षर लिखना है आपको, उन पर टिक नहीं लगाना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो त्योहारों का देश हमारा, फिर यहाँ डैश दिया है तो लाइन को आप पूरा कर देंगे। यहाँ आगे की लाइन मिसिंग है तो इसे आप पूरा करेंगे, फूल ही नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान, फिर जो मिसिंग लाइन है उसे आप पूरी करेंगे। ऐसे ही यहाँ आगे से मिसिंग लाइन है उसे पूरी करेंगे। रंगों की बौछार है, पोयम को अच्छे से पढ़िए, रीड करिए तो आपको समझ में आएगा। एक शब्द में लिखिए, बहनों का त्यौहार है उसका नाम यहाँ लिखेंगे, लोकतंत्र का दिवस है उसका नाम यहाँ लिखेंगे, वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, 2 तो छोटे छोटे थे, 2 थोड़े से बड़े हैं। अगर आपको याद नहीं है तो पहले ईमानदारी से लर्न करिए और उसके बाद इनके आंसर्स दीजिए। तो पहला है, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। दूसरा, भाईचारे का संदेश लेकर कौन सा त्यौहार आता है। हमारे देश को त्यौहारों का देश क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है बट अगर नहीं याद है तो पहले लर्न कर लो। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। तो ये सारे आंसर आप कॉपी में लिखेंगे तरीके से, पहले एक क्वेश्चन उसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन उसका आंसर, चौथा क्वेश्चन फिर उसका आंसर। तो इस तरीके से जैसे मैंने तरीके से लिख कर दिया है, बिल्कुल तरीके से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में रफ कॉपी में करके आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू।